हेलो एवरीवन, टिकलेज एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में पैराबोला बाय पैरेललोग्राम मेथड ये टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम इसका सेकंड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, जो प्रॉब्लम आज हमें सॉल्व करना है वो आपके सामने है। क्वेश्चन में क्या लिखा है हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा है, ड्रॉ अ पैराबोला बाय पैरेललोग्राम मेथड इफ द बेस एंड एक्सिस लेंथ ऑफ पैराबोला आर 100 mm एंड 50 mm रिस्पेक्टिवली। द बेस ऑफ पैराबोला इज इंक्लाइंड एट 30 degrees टू द हॉरिजॉन्टल। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ड्रॉ करने का टेक्निक बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसा हमने इसके पहले के प्रॉब्लम में यूज किए थे। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट देखो क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट जो लाइन है वो सबसे लास्ट में लिखा है। नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो पैराबोला ड्रॉ करते समय स्टार्टिंग की लाइन्स जो है वो पढ़ लेते हैं और सीधा ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं, ऐसा नहीं है। देखो क्वेश्चन के लास्ट में बहुत बड़ा ट्विस्ट है। क्वेश्चन में यहाँ पे जो दिया है, जो पैराबोला आपको ड्रॉ करना है वो जो पैराबोला का बेस है वो हॉरिजॉन्टल से 30 degrees इंक्लाइन होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब आपका जो पैराबोला है वो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, इसका मतलब जो ग्राउंड के साथ 30 degrees का एंगल करेगा। ये आपको ध्यान में रखना है, इस तरह से आपको ड्रॉ करना है। तो चलो अब हम यहाँ फाइनली ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं और इसको हम ड्रॉ करने के लिए कौन सा मेथड यूज करेंगे, पैरेललोग्राम मेथड हम यूज करने वाले हैं। तो उसके लिए आपको अलग से पैरेललोग्राम पहले क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको पैराबोला का बेस ड्रॉ करना है जो कि हॉरिजॉन्टल से 30 degrees इंक्लाइंड रहेगा। एक बार बेस बन जाता है देन आफ्टर आप चाहे तो पैरेललोग्राम जो है यहां पे क्रिएट कर सकते हैं। चलो सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये देखिए, सबसे पहले हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लिया है और अब आपको यहां पैराबोला का बेस ड्रॉ करना है जो कि 30 degrees टू द हॉरिजॉन्टल होना है। तो हम क्या करेंगे, उसके लिए प्रोटेक्टर लेंगे। प्रोटेक्टर का यूज करके आपको एंगल लेना है। तो यहां पे आपको अभी दो एंगल लेना है, एक 30 degrees का और दूसरा 90 degrees का। तो देखो हम क्या करेंगे, ये जो प्रोटेक्टर है वो हम ये पॉइंट पे रखेंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन ये जो है ये कितना भी एमएम का ड्रॉ करो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखिए प्रोटेक्टर हम यहां रखेंगे और ये हम 30 degrees का और ये 90 degrees का एंगल ले लेंगे। तो हमने एंगल ले लिए, अब आपको क्या करना है, ये एंगल्स पे लाइन ड्रॉ करना है। जो 30 degrees वाली लाइन है वो आपको थोड़ा सा सेमी डार्क ड्रॉ करना है और जो 90 degrees वाली लाइन है वो आपको फेंट ड्रॉ करना है। तो ये देखिए, हमने 30 degrees पे और 90 degrees पे ऐसे दो लाइंस ड्रॉ कर लिया है। ये 90 degrees वाली लाइन हमने क्यों ड्रॉ की है, ताकि जो पैराबोला की जो वर्टिकल लाइंस है वो एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टू द बेस आ जाए, इसलिए हमने ये 90 degrees वाली लाइन ड्रॉ की है और ये आपको फेंट पेंसिल से ड्रॉ करना है। और अब इसके बाद जो है, ये जो 30 degrees वाली लाइन है इसके ऊपर आपको पैराबोला का बेस रखना है। पैराबोला का बेस कितना दिया है, तो क्वेश्चन में यहाँ लिखा है पैराबोला का बेस 100 mm और जो है उसका हाइट दिया है 50 mm। ठीक है, तो बेस अगर 100 mm है तो ये 30 degrees वाली लाइन पे आपको बेस रखना है 100 mm। तो चलो यहां पे हम बेस 100 mm ले लेते हैं। तो ये जस्ट अ मिनट, ये हम 100 mm कर रहे हैं। तो ये पूरी तरह से ये हमने 100 mm यहाँ पे ले लिया है, वो यहाँ पे आया है। और अब उसका हाइट जो है वो ये जो 90 degrees वाली लाइन है इसके ऊपर आपको हाइट रखना है। हाइट कितना है 50 mm, तो यहाँ पे आपको हाइट रखना है। तो ये हमने रखे हाइट इस तरह से। अब आपको क्या करना है, अब आपको रोलर स्केल या मिनी ड्राफ्टर का यूज़ करना है। अगर आपके पास रोलर स्केल या मिनी ड्राफ्टर हो तो काफ़ी आसानी से बन जाएगा। आपको क्या करना है, ये जो वर्टिकल लाइन है 90 degrees वाली, इसको स्केल ऐसा एग्जैक्टली पैरेलल सेट करना है और रोल कराते हुए यहाँ तक ले आना है और यहाँ से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है। अभी हमारे पास रोलर स्केल या मिनी ड्राफ्टर नहीं है क्योंकि इतने बड़े बोर्ड के लिए ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स मिलते नहीं है। तो अभी हम ये एक सिंगल स्केल से ड्रॉ करने का प्रयास करेंगे। तो हम इसको ऐसा पैरेलल सेट कर लेंगे और रोल कराते हुए हम यहाँ तक लाएंगे, ये पॉइंट तक, और यहाँ से हम क्या करेंगे, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे और ये वर्टिकल लाइन का लेंथ जो है वो उतना ही लेंगे जितना यहाँ पे पैराबोला का हाइट दिया है। पैराबोला का हाइट 50 mm है ना, तो ये हमने यहाँ पे वर्टिकल लाइन जो ड्रॉ किए हैं वो भी 50 mm का ड्रॉ किए हैं। और अब आपको क्या करना है, ये देखो यहाँ से यहाँ तक 50 mm है, यहाँ से यहाँ तक 50 mm है, ये दोनों को ज्वाइन करो तो यहाँ पे एक पैरेललोग्राम फिर क्रिएट हो जाएगा। तो ये देखिए, इस तरह से ये एक पैरेललोग्राम यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। हम इसको नेमिंग दे देंगे पैरेललोग्राम को। तो हम इसको कहेंगे ए बी सी डी। तो ये ए बी, ऊपर का पॉइंट सी और इधर का जो पॉइंट है ये है डी। इस तरह से ये ए बी सी डी पैरेललोग्राम क्रिएट हो चुका है और अब इसके अंदर हमें कंस्ट्रक्शन करना है और इसके अंदर हमें पैराबोला ड्रॉ करना है। तो पैराबोला ड्रॉ करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले एक काम करेंगे, ये जो बेस है ए बी, इसका हम मिड पॉइंट यहाँ पे ले लेंगे। बेस ए बी का मिड पॉइंट जो है वो आप यहाँ नीचे भी लेंगे और ऊपर भी लेंगे। ये देखिए, ये बेस ए बी का हम यहाँ पे मिड पॉइंट ले रहे हैं और ये यहाँ से हम एक वर्टिकल लाइन भी ड्रॉ कर लेंगे क्योंकि पैराबोला ड्रॉ करने के लिए आपको
यहां पे बेस को दो पार्ट में डिवाइड करना जरूरी है। तो ये देखिए, ये बेस को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया है, ठीक है। ये जो ऊपर का पॉइंट है, यहां पे हम कहेंगे कोई भी पॉइंट का नाम दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको ओ कहेंगे और ये जो पॉइंट है इसको हम पी कहेंगे, ठीक है, इस तरह से। और अब आपको यहां पे पैरेललोग्राम मेथड जो यूज करना है उसमें क्या करना है, देखो दोनों आप दोनों के दोनों बॉक्स में आप चाहे तो कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, या तो आप कोई भी एक साइड में कंस्ट्रक्शन करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। चलो हम पहले ये लेफ्ट हैंड साइड के बॉक्स में कंस्ट्रक्शन कर लेंगे। तो कंस्ट्रक्शन में क्या करना है जरा आप समझ लो, आपको क्या करना है, ये जो बेस एपी है, देखो एपी पूरा बेस एबी नहीं, सिर्फ ये जो हाफ जो एपी है ए से लेके पी, इसको आपको डिवाइड करना है, और ये जो एडी है हाइट, इसको भी आपको डिवाइड करना है। लेकिन रूल ये है कि दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, जितने पार्ट में आप एपी को डिवाइड करोगे उतने ही पार्ट में आपको एडी को भी डिवाइड करना कंपलसरी है। तो एपी का लेंथ क्या है, तो एबी का लेंथ है 50 mm, क्योंकि कंप्लीट बेस था 100 mm, तो हाफ हो गया 50 mm, और ये जो हाइट है ये भी 50 mm है, तो हम इसको आसानी से 5-5 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो चलो अगर ये 50-50 mm है तो 1-1 cm के यहाँ पे 5 पार्ट्स पहले हम ले लेंगे। तो ये हमने एपी और एडी को 5-5 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है, इसको हम नेमिंग दे देंगे यहाँ पे, ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट, ये फोर्थ पार्ट, इस तरह से। और यहाँ पे भी ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट और ये फोर्थ पार्ट, इस तरह से हमने यहाँ नेमिंग दे दिए। और अब इसके बाद का जो वर्क है ये आपको अब फेंट वर्क करना है। देखो फेंट वर्क में क्या करना है, ये जो ऊपर का ओ पॉइंट है ये ओ से ये वन ज्वाइन करना है, ठीक है। देखो आपको ज्वाइन करके बताते हैं, ओ से वन आपको पहले ज्वाइन करना है, और ये अब आपको फेंट पेंसिल से ड्रॉ करना है। फेंट पेंसिल जो है आप 4H नंबर का पेंसिल यूज़ करो, फेंट वर्क के लिए काफ़ी अच्छा फेंट बनता है वो पेंसिल से, ठीक है। आप कोई भी कंपनी का पेंसिल यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो फेंट होना चाहिए। ये देखिए ओ से वन हमने ज्वाइन कर लिए, उसी तरह से ओ से टू, ओ से थ्री, ओ से फोर आपको ज्वाइन करना है। तो ये हमने इस तरह से ओ से 1, 2, 3, 4 सभी पॉइंट्स को हमने यहाँ पे लाइंस ड्रॉ कर लिए हैं। और अब इसके बाद ये जो 1, 2, 3, 4 है, 1, 2, 3, 4 यहाँ से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है, और ये एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टू द बेस होना चाहिए। तो उसके लिए ये जो आपने 90 डिग्री वाली जो वर्टिकल लाइन ड्रॉ किए हैं, आप रोलर स्केल या मिनी ड्राफ्टर इसको एग्जैक्टली ऐसा पैरेलल सेट करो, और पैरेलल सेट करते हुए सभी जो पॉइंट्स है 1, 2, 3, 4 वहाँ से आपको वर्टिकल लाइन इस तरह से ड्रॉ करना है। तो ये देखिए ये हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये देखिए जैसा हमने कहा था 1, 2, 3, 4 से हमने वर्टिकल लाइंस ड्रॉ कर लिए हैं। अब ये करने का क्या फायदा होगा, तो ये देखिए ये ओ वन की लाइन और ये जो वन की वर्टिकल लाइन है ये दोनों यहां पे क्रॉस हो गई, तो हमें यहां पे क्रॉस सेक्शन पॉइंट मिल गया। उसी तरह से ये ओ टू की लाइन और ये जो टू की वर्टिकल लाइन है दोनों यहां पे क्रॉस हो गए, तो यहां पे दूसरा क्रॉस सेक्शन पॉइंट मिल गया। उसी तरह से ये ओ थ्री की लाइन और ये थ्री का वर्टिकल लाइन वो दोनों यहां पे क्रॉस हो गए, तो ये तीसरा क्रॉस सेक्शन पॉइंट मिल गया। और फिर ये ओ फोर की लाइन और ये फोर की वर्टिकल लाइन दोनों यहां पे क्रॉस हो गए, तो ये चौथा क्रॉस सेक्शन पॉइंट मिल गया। इस तरह से हमें यहां पे 4 क्रॉस सेक्शन पॉइंट्स मिल गए। इसको अगर आप ज्वाइन करेंगे तो आपको हाफ पैराबोला मिलता है, ठीक है। तो ये हम बाद में ज्वाइन करेंगे। तो ये हमने इधर के बॉक्स में ऐसा कंस्ट्रक्शन कर लिए और ये हमें इतना मिल गया। अब आप सेम कंस्ट्रक्शन चाहे तो इधर के बॉक्स में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या तो दूसरा तरीका ये है कि ये जो पॉइंट्स है 1, 2, 3, 4 ये सभी पॉइंट्स से आप क्या कर सकते हैं, ये 30 डिग्री वाली इंक्लाइंड लाइन को ऐसा पैरेलल लेके जा सकते हैं सभी के सभी पॉइंट्स। जैसे ये जो पॉइंट है 1, यहां से आप एक ऐसा लाइन ड्रॉ कर लो पैरेलल टू द 30 डिग्री लाइन, ठीक है। फिर ये दूसरे पॉइंट से भी लाइन ड्रॉ कर लो, तीसरे पॉइंट से भी लाइन ड्रॉ कर लो, चौथे से भी लाइन ड्रॉ कर लो, और फिर जो है आप कंपास का यूज करके ये पॉइंट्स जितना लेफ्ट साइड में है उतना ही आप राइट साइड में मार्क कर सकते हैं। ये एक आसान तरीका है। या तो दूसरा तरीका जैसा हमने कहा, जैसा आपने कंस्ट्रक्शन इधर के बॉक्स में किए सेम कंस्ट्रक्शन आप उधर के बॉक्स में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो हम वही करेंगे, दोनों साइड में सेम कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो जैसा आपने इधर में फाइव पार्ट्स में डिवाइड किए थे, इधर भी 5 पार्ट्स में डिवाइड किए थे, तो वहां पर भी हम वही करेंगे। ये बीपी को 5 पार्ट में डिवाइड करेंगे और ये जो हाइट है बीसी इसको भी हम 5-5 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो ये देखिए हमने डिवाइड कर लिया है और यहाँ पे नेमिंग किस तरह से दिए, नीचे से ऊपर 1, 2, 3, 4, क्योंकि यहाँ पे भी हमने नीचे से ऊपर दिए थे 1, 2, 3, 4, तो यहाँ पे भी हमने नीचे से ऊपर दिए। उसके बाद जो नीचे की जो नेमिंग है वो ए से पी की तरफ 1, 2, 3, 4 है, तो इधर में बी से पी की तरफ 1, 2, 3, 4 इस तरह से हमने दिए। और अब इसके बाद जैसा हमने यहाँ पे ओ से 1, ओ से 2, ओ से 3, ओ से 4 ज्वाइन किए थे, बिल्कुल वैसा ही हम यहाँ पे भी कर लेते हैं। ओ से सभी को हम पहले यहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे। तो ये देखिए हमने O से 1, 2, 3, 4 ज्वाइन कर लिया है। और अब इसके बाद
इसके बाद यहां पे क्या किए थे, ये जो 1 2 3 4 है यहां से आपने वर्टिकल लाइंस ड्रॉ किए थे, बिल्कुल वैसे ही वर्टिकल लाइंस आपको उधर भी ड्रॉ करना है, लेकिन ये 90 डिग्री वाली लाइन को एग्जैक्टली पैरेलल होना चाहिए, दैट इज परपेंडिकुलर टू द बेस। तो ये देखिए, ये हम 1 2 3 4 से वर्टिकल लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये देखिए, हमने 1 2 3 4 से वर्टिकल लाइंस ड्रॉ कर लिए हैं, और अब ये करने के बाद आपको यहाँ पे क्रॉस सेक्शन पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो जैसा आपने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में क्रॉस सेक्शन पॉइंट्स निकाले थे, 4 क्रॉस सेक्शन पॉइंट बिल्कुल उसी तरह से हमें उधर भी मिलने वाला है। तो ये देखिए, ये O1 और ये 1 की वर्टिकल लाइन दोनों यहाँ पे क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है, ये पहला क्रॉस सेक्शन पॉइंट। देन ये O2 और ये 2 का वर्टिकल लाइन दोनों यहाँ पे क्रॉस कर रहे हैं, ये दूसरा क्रॉस सेक्शन पॉइंट। देन ये O3 और ये 3 का वर्टिकल लाइन दोनों यहाँ पे क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है, और फिर ये O4 और ये 4 का वर्टिकल लाइन दोनों यहां पे क्रॉस कर रहे हैं। तो ये देखिए, इस तरह से इधर भी हमने 4 क्रॉस सेक्शन पॉइंट्स निकाल लिए। तो फाइनली हमें टोटल सभी प्रकार के क्रॉस सेक्शन पॉइंट्स मिल चुके हैं। अब हमें यहां पे फाइनली पैराबोला का कर्व ड्रॉ करना है, ये सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए यहां पे पैराबोला मिलने वाला है। तो ये स्टार्ट कहां से होगा, ए से स्टार्ट होगा, ए से स्टार्ट होके ये देखिए, ये सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए ये ओ से जाएगा और फिर ये बी पे पहुंच जाएगा इस तरह से। तो चलो ये हम ड्रॉ करेंगे। अब ये ड्रॉ करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप इसको फ्रेंच कर्व का यूज करके ड्रॉ करो, या तो फ्री हैंड ड्रॉ करो। वैसे फ्री हैंड जो है वो बहुत अच्छा नहीं बनता है, आपको फ्रेंच कर्व का यूज करना चाहिए। फ्रेंच कर्व से बहुत ही अच्छा और स्मूथ कर्व बनेगा। अभी मार्केट में इतना बड़ा फ्रेंच कर्व नहीं आता है, तो हम फिलहाल इसको फ्री हैंड ज्वाइन कर लेंगे। तो ये देखिए, सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए हमने यहां पे पैराबोला जो कर्व है वो हमने ड्रॉ कर लिया है। ये बहुत अच्छा नहीं बना है क्योंकि ये हमने फ्री हैंड बनाया है, लेकिन जब आप इसको ड्राइंग बुक में फ्रेंच कर्व का यूज करके बनाओगे ना, तो बहुत ही अच्छा और स्मूथ कर्व बनेगा। ये थोड़ा सा कम ज्यादा जो है वो हुआ है, और यहां पे हमने नेमिंग भी दे दिया है। देखो, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वहां पे हमने लिखा है हॉरिजॉन्टल लाइन, और उसको जो है ये पैराबोला का बेस इंक्लाइन है, 30 डिग्री से एंगल शो किया है। बेस जो है वो यहां पे है, आप चाहे तो बेस का लेंथ यहां पे शो कर सकते हैं 100 mm, और हाइट आपको ये साइड में दिख रहा है, हाइट का जो लेंथ है 50 mm, आप यहां पे 50 mm डायमेंशन शो कर सकते हैं। और जो पैराबोला के जो क्रॉस सेक्शन पॉइंट्स है उसको हमने नेमिंग दिया है Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 एंड Q8, ठीक है। तो इस तरह से नेमिंग आप कुछ भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जो पैराबोला जो कर्व है वो आपको डार्क पेंसिल से ड्रॉ करना है, ठीक है। इस तरह से फाइनली क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये पूरा सॉल्यूशन बनके तैयार है। क्वेश्चन में कहीं पे भी टेंजेंट और नॉर्मल ड्रॉ करो ऐसा लिखा हुआ नहीं है। वैसे आप चाहे तो इसमें टेंजेंट और नॉर्मल भी ड्रॉ कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। इसके पहले ऑलरेडी हमने हाउ टू ड्रॉ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू पैराबोला, इसके ऊपर ऑलरेडी स्पेशल वीडियोज बनाए थे, वो वीडियोज आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे, वो वीडियोज आप देख लीजिएगा। आप टेंजेंट और नॉर्मल भी फिर आराम से ड्रॉ कर सकते हैं। तो फिलहाल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये पूरा सॉल्यूशन आपके सामने है, सॉल्यूशन यहां पे कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करते हैं कि ये पूरा सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये आपको अपने ड्राइंग बुक में भी ड्रॉ करके देख लेना चाहिए। ये था पैराबोला बाय पैरेललोग्राम मेथड का सेकंड प्रॉब्लम। इसके पहले जो हमने इसका एक प्रॉब्लम लिए थे वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए, और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।